राशि, धार्मिक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ सकती है। पारिवारिक जीवन आनंददायी रहेगा, किंतु नजदीकी मित्र के साथ या जीवन साथी के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं। यदि इसे समय पर ना सुलझाया जाए तो अलगाव की स्थिति भी हो सकती है। संतान से जुड़े हुए अच्छे समाचार तनाव को कम करेंगे। कार्य क्षेत्र में दिन सकारात्मक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को आज आय में वृद्धि के बहुत अच्छे ग्रह योग बने हुए हैं। उनकी सैलरी के अलावा अन्य किसी स्रोत से भी आय हो, ऐसे सकारात्मक ग्रह योग है। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी सकारात्मक गतिविधियां होगी, नई योजनाएं बनेगी। आपके सभी कार्य आपकी योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई लाभदायी विकल्प आज आपको मिल सकता है। आय के नए स्रोत का निर्माण भी आज हो सकता है। व्यापार के विस्तार से जुड़ी हुई नई योजना शुरू हो सकती है। आज आपके द्वारा किसी प्रकार का आर्थिक निवेश हो सकता है। शेयर बाजार में भी दिन अनुकूल है। आज निवेश करने से आपको लाभ हो, ऐसे ग्रह योग प्रबल है, किंतु जिम्मेदारी के साथ आर्थिक जोखिम उठाएं। आपका आरोग्य दिन भर अनुकूल रहेगा। दिन के अंतिम दौर में आपको कमर दर्द, गर्दन से जुड़ी हुई कोई समस्या या आंखों से जुड़ी हुई कोई छोटी समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। विद्यार्थी वर्ग आज शिक्षा से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों के साथ साथ मनोरंजन में भी कुछ समय व्यतीत करे, ऐसा संभव है। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। नजदीकी मित्रों के साथ दिन का अंतिम दौर व्यतीत होगा। मित्रों के साथ निजी समस्याएं और शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में भी चर्चा हो सकती है। महिलाओं के लिए भी दिन अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। दिन के शुरुआती दौर में कुछ हद तक मानसिक अशांति रह सकती है। घर के सभी सदस्यों में आपस में तनाव रह सकता है, किंतु दिन पूरा होने तक यह समस्या अपने आप ही सुलझ जाए, ऐसा संभव है। बुजुर्गों के लिए भी दिन लाभदायी रहेगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए